भाई ये फरहान भाई हैं माशाल्लाह, यहाँ बेदल साई जो है पेट्रोल पंप पर होते हैं और हमारे अब सब्सक्राइबर भी हैं। इन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया हमारे सामने और इनका बहुत शुक्रिया। और हम जो है यहाँ आते रहते हैं, बेदल साई पंप पर भी आए हैं, रेस्टोरेंट पर भी आए हैं। अभी हमारा सफ़र है मजीद आगे मुल्तान की तरफ, तो हम फिर इंशाल्लाह आपसे वीडियो में मिलेंगे और आप इंशाल्लाह व्लॉग में आ चुके हैं हमारे, आपसे मुलाकात होगी फिर। ठीक है, बहुत शुक्रिया फरहान भाई। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग जी। तो अभी हम निकल रहे हैं रोड़ी से। लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि हम कराची से सक्खर रोड़ी पहुँचे और यहाँ पर जो है हम रुके थे, लेकिन उसी व्लॉग को हम यहाँ से कंटिन्यू कर रहे हैं। और अभी हम जो है बेदल साई रेस्टोरेंट से निकल रहे हैं और हम जाएंगे मोटरवे की तरफ। तो इंटरचेंज चढ़ते हैं और बिस्मिल्लाह करके यहाँ से गुजरते हैं, निकलते हैं यहाँ से। तो चले जी, तो हम पहुँच चुके हैं रोड़ी इंटरचेंज और ये रोड़ी इंटरचेंज आ चुका है अभी M5। तो हम लोग स्लो स्लो आगे बढ़ रहे हैं। अकील भाई जो है फ्यूल डलवा के हमारे साथ हो जाएंगे। हम इसलिए आगे बढ़ रहे हैं कि वहाँ पर रुके हुए थे तो गाड़ी का AC भी जो है स्लो हो गया था, बच्चे सो के उठ गए तो उनको गर्मियाँ हो रही थी और बाहर गर्मी बहुत है, शीशे खुले ना दरवाजे खुले तो सारी ठंड निकल गई। तो अभी हम स्लो स्लो आगे बढ़ेंगे, इतनी देर में अकील भाई आ जाएंगे। तो ये है जी M5 और काफ़ी दिनों के बाद आए, काफ़ी दिनों के बाद आखिरी भावलपुर जा रहे थे तब आए थे ना, आखिरी आए थे भाई ईद से पहले। अब ये हम टाइम टू टाइम चल रहे हैं माशाल्लाह। हम लोग सुबह 9:30 बजे निकले, 5 बजे हम यहाँ पहुँच गए थे, तकरीबन 7 घंटे 5.5-7 घंटे हुए। हाँ जूम करो, अकील भाई की गाड़ी शायद नज़र आ गई है इरम को। और ये जो है अभी यहाँ से कैप्चर करिए, हम मोटरवे पर हैं और वो इंटरचेंज पर हैं। हम लोग स्लो स्लो आगे बढ़ रहे और सफ़र माशाल्लाह बहुत खुशगवार गुजर रहा है और उम्मीद है कि मज़ीद अच्छा ही गुजरेगा। और अभी जैसे मगरिब हो जाएगी, रात हो जाएगी, तो मौसम भी बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह। बस ये लू खत्म हो जाए। यहाँ असल में यहाँ लू चल रही पूरे सिंध, हैदराबाद कराची से हम लोग स्टार्ट हुए, हैदराबाद तक तो बिल्कुल सही था। हैदराबाद जहाँ क्रॉस किया ना उसके बाद गर्मी ने जो अपना रंग दिखाया है, वाह भाई वाह। तो चले भाई, ज़्यादा बोर नहीं करूँगा इंशाल्लाह, आपको जो है सफ़र ही दिखाऊँगा और सफ़र में आपको जो है रास्ता और किलोमीटर बताएंगे। 386 किलोमीटर की ये मोटरवे है मुल्तान तक, फिर इसके बाद M4 हो जाती है जो फैसलाबाद से होती हुई जाती है पिंडी बटिया तक, फिर M2 से कनेक्ट होकर इस्लामाबाद के लिए निकल जाता है। तो भाई सफ़र हमारा जारी हो चुका है और बस बाकी देखें आप लोग। भाई अब सब मैं ही बता दूंगा तो फिर आपको मजा क्या आएगा यार, थोड़ा समझा करो यार बात को यार। सूरज जाने वाला है तो थोड़ी देर के नज़ारे हैं, एंजॉय कर लेते हैं, फिर तो अंधेरा हो जाएगा तो फिर कुछ नजर नहीं आएगा, तो हम अब खुद को भी नहीं देख पाएंगे इतना अंधेरा हो जाएगा। गर्मी जो है कम होने का नाम नहीं ले रही, देखो भैंसे ये सब चीजें एंजॉय करने के लिए होता है, बाकी तो हमें पता है पहुंच के क्या करना है। एंजॉयमेंट तो यही है ना कि कराची से निकले, नजारे आ रहे, हर शहर आ रहा है, नया शहर नया गांव जो हमने कभी नहीं देखा, और अलग अलग नजारे, अलग अलग लोगों से बातें, अलग अलग लोगों से बातें करना, सबका अपना मजा है। गाड़ी में जाओ, अपनी कार से अपनी कन्वेंस से जाओ तो उसका मजा अलग है, ट्रेन से जाओ तो उसका मजा अलग है, बस वाले जो है बस में मेरे ख्याल से जो है कॉम्प्रोमाइज है। बस में जो है जिसको ऐसे ही नज़ारों का शौक हो ना उसके लिए नहीं है बस, मेरे ख्याल से सफर करने वाले के लिए तो मैं जल्दी पहुंच जाऊँ, क्योंकि बस में आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। और ट्रेन में जो है आपके पास ये होता है कि आप चहल पहल कर सकते हो, हर स्टेशन पर रुकती है, नए लोग दिखते हैं, नए लोग उतरते हैं चढ़ते हैं, ये चीज़। और कार में तो अपनी मर्जी है, जहाँ दिल करे वहाँ जाओ, जितनी देर से पहुँचना है पहुँचो, कोई टेंशन नहीं। तो यही सारा एंजॉयमेंट होता है और इसी को ट्रिप कहते हैं। बाकी ये ट्रिप नहीं कहते कि आप कराची से कालाम पहुँच गए तो कालाम से आपने जो है घूम लिया, आपने बता दिया कि हम कालाम जा रहे हैं। नहीं नहीं, मैंने ये नहीं बताया, मैं एक मिसाल दे। अच्छा, हमारा इरादा तो कहीं और का है और जहाँ का होगा वो इस्लामाबाद पहुँच के बताऊँगा। अभी अच्छा, डिसाइड नहीं है, हो सकता है कालाम भी चले जाए, हो सकता है कहीं और भी चले जाए, मेरे मुंह से निकल गया है कुछ ऐसा, हो सकता है कि मेरा दिल कालाम का हो जाए, क्योंकि मुझे कालाम गए काफ़ी अरसा हो गया, मुझे बहुत दिल हो रहा है, बहुत
बाद भी आ रही है कालाम की। बाकी माशाल्लाह और भी जगहें हैं, उनका इरादा क्या हुआ था, अब ये सब मैं जो है इस्लामाबाद जाके बताऊंगा। अब ये सच नहीं समझ रहे हैं तो मैंने आपको कालाम को बोल दिया। चले जी, ये की सच आपको बाद में बताएंगे, पेट के हल्के ये आपको बाद में बताएंगे कि कहाँ जाएंगे। तो भाई साहब पहुंच चुके हैं हम रेस्ट एरिया में, ये घुटकी रेस्ट एरिया कहलाता है और हम M4 पर हैं। ये देखिए जी सलाद काटा जा रहा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खीरा तो अपना फेवरेट है। और ये दोनों तो देखो मस्त नींद करते हुए आए, अब ये जागेंगे मेरे ख्याल कल सुबह तक। वो देखो उसकी शक्ल देखो, ये जो है ना इसने इतनी नींद करी है, अभी देखो फ्रेश होके उठा है। ये क्या लाई हो आप? कीमा। ये दम कीमा है, देखे माशाल्लाह। और साथ में और दूसरी डिश कहाँ गई? ये रही, ये है जी चिकन, चिकन हांडी। वाह भाई वाह, फुल शशके, फुल मजे। और ये हमें पड़ोस से आया है, माशाल्लाह माशाल्लाह इफ्तारी आई है हमें, मलाई बोटी प्लस हांडी। देखे भाई हांडी हांडी टकरा गए, पहले हम पड़ोसियों को जो है हांडी दे दे। ये पड़ोसी भी हमें मिल गई। भाई देखे ऐसे ही शेयर कर, शेयरिंग इज केयरिंग, शेयर करने से ही जो है प्यार बढ़ता है। तो हम सबको चाहिए कि आपस में हर चीज शेयर करें। चलिए जी बिस्मिल्लाह करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सबसे पहले एक निवाला कीमे का दम कीमा, जबरदस्त, बहुत ही मस्त किस्म का जो है बेगम ने बनाया। बेगम मजा आ गया, बहुत ही जबरदस्त बनाया दम कीमा, कोयले का दम दिया है। और मैं कहता हूँ इसमें सीख कबाब का मसाला है, घर का मसाला है। वाह भाई वाह, क्या टेस्ट आ रहा है, ऐसा लग रहा है सीख कबाब खा रहे हैं, बहुत जबरदस्त। अब ट्राई करते हैं हांडी। एक चीज़ वरना बुरी मान जाएगी कि आपने जो है दम कीमे का इतनी तारीफ कर दी, हांडी नाराज हो जाएगी। हांडी आंटी को भी बना ले, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फुल जबरदस्त, फर्स्ट क्लास A1, क्रीमी, क्या खुशबू आ रही है इसकी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलाई बूटी हांडी बहुत जबरदस्त टेस्ट है, मज़ा आ गया, फुल क्रीमी और बिल्कुल टेंडर चिकन, और ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं, और बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट के साथ। वहाँ पर और ये भाभी ने बनाई है हमारे कबाब, है शामी कबाब। सब कुछ VIP है, सब कुछ ज़बरदस्त है। तो बस अब खाना खाते हैं सुकून से और फिर आपसे मिलते हैं रास्ते में। हमने शक्कर से थोड़ा पहले जो है रिफ़िल करवाया, पहला हमारा टैंक कराची से करवाया, दूसरा टैंक हमने शक्कर से करवाया। तो अभी मैंने मोटर पे चढ़ते हुए रिफ़िल नहीं करवाया, और अब जहाँ पर ये काम होगा तो वहाँ फिर रिफ़िल करवाएंगे। ये यहाँ कोच आई है, और देखें ये कहाँ की है, ये भी मुझे लगता है स्वाद की है। तो यहाँ पर जो है पीछे जो रेस्ट एरिया एक आता है जो रोड़ी सर्विस एरिया कहलाता है, वो ऑपरेशनल नहीं है, बंद है अभी। तो सारी गाड़ियाँ जो है घोटकी रेस्ट एरिया पर रुकती हैं, तो यहाँ पर ये चहल पहल रौनक लगी रहती है। तो अभी यहीं पर पीछे जो है वज़ू खाना है, यहाँ नमाज अदा करें, यहाँ वज़ू बना लें। हाँ?
तो जी अल्हम्दुलिल्लाह नमाज अदा हो गई, कि हम चलते हैं यहाँ से, अपने सफ़र को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं और मिलते हैं आपसे मोटरवे पर उच शरीफ सर्विस एरिया पर। और यहाँ पर जो है अभी वॉशरूम वगैरह जा रहे हैं बच्चे और हम रिफ़िल करवाएंगे। अभी हैं तकरीबन तीन सेल हैं, तीन पॉइंट हैं गाड़ी में, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि यहीं से फुल करवा लें, आगे का भरोसा नहीं है। और आगे हम फिर रुके नहीं रुके तो जहाँ तक चलते रहेंगे चलाएंगे गाड़ी। अभी है हिम्मत, लेकिन थोड़ी बहुत जो है बैटरी डाउन होना शुरू हो गई है मेरी, तो मैंने सोचा कि यहाँ रुकें, थोड़ा फ्रेश हो जाएं, थोड़ा आराम करें, आधा घंटा एक घंटा थोड़ा निकालें यहाँ पर, फिर आगे मज़ीद सफ़र करते हैं। और इरादा तो यही है कि किसी शहर में अभी दाखिल नहीं होंगे, डायरेक्ट इस्लामाबाद ही रुकेंगे और रेस्ट एरियाज़ वगैरह पे थोड़ा स्टे करते करते ख़ुद को आराम देते हुए सफ़र को कंटिन्यू रखेंगे, इसी तरीके से जाएंगे, तो ताकि थोड़ा सफ़र का एडवेंचर भी तो मज़ा लें ना हम। और ईद की छुट्टियों में निकले हैं तो ये ऐसे मज़े नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे। और यहाँ पर देख रहे हैं पीछे जो है एग्जीक्यूटिव वो है वॉशरूम्स हैं, जिसका जो है चार्जेस 300 है, ये लिखा हुआ एग्जीक्यूटिव वॉशरूम। शावर की भी सहूलत है। और ये आ गए हमारे शहजादे, कहाँ गए थे, कैसा जा रहा है सफर? बस अभी थोड़ी देर यहाँ स्टे करते हैं और गाड़ी को भी थोड़ा सुकून दें, थोड़ा जो है चलने में, गाड़ी चलाने में जो है ना अभी थोड़ी कनूदगी आ रही थी, आहिस्ते आहिस्ते मुझे नींद जैसा हो रहा था। निकल चले तो भाई साहब निकल चुके हैं उच शरीफ के सर्विस एरिया से, और जो है वहाँ पर हमने अच्छा खासा टाइम एक्सपेंड किया, खूब आराम किया, फ्रेश भी हो गए, बच्चों ने कुछ खाया पिया भी, और अब दोबारा गाड़ी में भी खा रहे हैं। और भाई मैं ख़ास जो है अभी अंधेरा हो रहा है तो अभी वीडियो बनाने का कोई ख़ास मकसद नहीं है, लेकिन मैं इसलिए बना रहा हूँ कि एक बहुत ज़रूरी बात आपके साथ शेयर करनी है कि हम रुके हुए थे जब रोड इंटरचेंज से हम इंटर हुए M5 पर, और हम लोग पहुँचे घोटकी रेस्ट एरिया पर, तो वहाँ पर हम लोग ने खाना वगैरह खाया, आपने वीडियो में देखा सब कुछ। तो वहाँ जो है कोचेज़ आई हुई थी, तो ये कोच वाले से एक मेरी एक कोच वाले से दुआ सलाम हुई मगरिब की नमाज़ के बाद, तो उसको बताया कि हम लोग, उसने भी पूछा कि आप कहाँ से आ रहे हैं, मैंने भी बताया कि हम लोग यहाँ से आ रहे हैं कराची से और ये वो, तो उसने मुझे क्या बताया, उसने कहा कि फटाफट यहाँ से निकलो, यहाँ नहीं रुको। मैंने इससे ऐसा पूछा क्यों भाई, क्या हो गया ऐसा कि फटाफट निकलो? बोलता बस यहाँ नहीं रुको आप, रोड़ी से लेके कश्मोर और रहीम यार खान तक आप जो है ना कहीं पर भी नहीं रुको रेस्ट एरिया में, और रुको तो रौनक वाले में रुको, और ऐसे जहाँ पर कोई नहीं हो या कुछ कम लोग हो तो वहाँ नहीं रुको, क्योंकि यहाँ पर जो है आजकल जो है डकैतियों के और डाकुओं के चक्कर कुछ ज़्यादा चल रहे हैं, तो मोटरवे पर ऊपर भी आ जाते हैं, चलती गाड़ी को शीशे पर आपको पत्थर मारेंगे पहले, तो आप जो है जैसे गाड़ी स्लो विलो करोगे तो आपके सामने भी आ जाएंगे, और चलती गाड़ी पे आपके हो सकता है आपके पीछे भी आ जाएं, गाड़ी के उससे भी आ जाएं, तो इस तरीके से यहाँ पे वारदातें हो रही हैं। तो बस ये थोड़ी सी एक डिटेल थी आपके साथ शेयर करनी थी, बाकी जो है हमारा सफ़र जारी है, इंशाल्लाह जो है कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द पहुँच जाएं हम इस्लामाबाद तक। और अभी इस वक्त टाइम हो रहे हैं रात के 11:30, और हो सकता है कि हम 4-5 बजे या 6 बजे सुबह पहुँच जाएँ इस्लामाबाद। अभी हमने उच शरीफ क्रॉस किया है तो हम तो अभी मुल्तान पहुंचने वाले हैं, तो वीडियो जारी है, और वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाजमी लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह थोड़ी देर के बाद। सफ़र बहुत अच्छा गुजर रहा है, स्लो स्लो भी चल रहे हैं, अब थोड़ा आराम करते हुए चल रहे हैं, और मेरा ड्राइवर भी चेंज हो गया, बेगम साहिबा पीछे सोने चली गई, और मेरा को पायलट जो है अब साइम मेरा को पायलट चेंज हो गया और बेगम साहिबा जो है पीछे सोने चली गई है, फर्स्ट टाइम गई है गाड़ी में पीछे सोने के लिए। मैंने कहा जाओ जाओ थोड़ा चेंज भी करो खुद को, एक ही चीज़ करती रहोगी सारी ज़िंदगी, तो अभी इसने चेंज किया है, ये गई है पीछे सोने के लिए, और साइम को मैंने अपने पास बिठा लिया है ताकि मुझे नेविगेट करता रहे। रात के 2 बज रहे हैं और इस वक्त हम रुके हैं फैसलाबाद के एक रेस्ट एरिया पे, और यहाँ पर जो है तूफान आ चुका है, और देख रहे हैं आप माहौल आंधी तूफान का माहौल है, और हम लोगों ने गाड़ियाँ यहाँ लगा दी हैं सेफ साइड के लिए, कि मतलब गाड़ी चलाने में कोई परेशानी नहीं हो, हम भी ये
हम भी ये थोड़ा माहौल थमता है तो फिर हम भी आगे बढ़ते हैं। तो जी देख रहे हैं सुबह हो चुकी है, हम लोग जो रात को यहाँ रुके थे तूफान की वजह से, तो तूफान ने हमें यहीं बिठा दिया, तो उसके इंतज़ार इंतज़ार में मेरी आँख लग गई, मैं यहीं पर सो गया था बच्चों की जगह पे। ये लोग तो मस्त जाग रहे थे, यहाँ भाग फिर रहे थे और बहुत काफ़ी देर तक जो है ये हवा वगैरह चलती रही, और बहुत तेज़ हवा, अभी भी काफ़ी बहुत तेज़ हवा चल रही है, और अब तो ठंड भी बढ़ गई है, ठंडी हवा हो चुकी है। बाकी माहौल बिल्कुल बदल चुका है, जिस माहौल से हम आ रहे थे वैसा लग नहीं रहा कि हम गर्मियों से ही आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कोई दिसंबर का महीना चल रहा है, ऐसी ठंड ठंड वाली फील आ रही है यहाँ पर, और काफ़ी ठंडी हवा है और बहुत तेज़ हवाएँ चल रही हैं। रात को हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हो रही थी, लेकिन अब बारिश वगैरह तो नहीं है, लेकिन हवा काफ़ी तेज़ चल रही है। तो मेरी हालत थोड़ी टायर्ड हो रही थी तो मैं यहीं सो गया, तो इन्होंने मुझे उठाया नहीं, और देखते देखते सुबह हो गई, क्योंकि 3 तो बज रहे थे जब हम लोग आए थे, और इंतज़ार करते करते हमने कहा 5 बजे तक निकलते हैं, थोड़ी देर आराम कर लें, और जैसे इंतज़ार में मैं यहीं सो गया और आँख लग गई। अभी हो रहा है 6:54 यानी 7 बज गए, हम लोग यहाँ उठे, अभी मैंने ज़रा फ्रेश व्रेश हुआ, हाथ मुँह धोए, गाड़ी साफ़ की, और अब हम यहाँ से आगे बढ़ रहे, और तो चले भाई सफ़र को मज़ीद आगे बढ़ाते, बहुत बातें हो गई।